Смонтируем же потом, да? दोस्तों, किस्मत उस सुनहरी चिड़िया का नाम है जिंसान को पल भर में राजा से रंक और रंक से राजा बना सकती है। किस्मत बलवान हो तो इंसान मौत तक को छूकर टक से वापस आ सकता है। खुशकिस्मत लोगों के ऐसे ही कुछ हैरतअंगेज वाकये दिखाने के लिए हिंदी काउंटडाउन ने आपके लिए एक सीरीज चालू की और अब तक 4 पार्ट्स बना दिए। आज उसी कड़ी में एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं लकीस्ट पीपल कॉट ऑन अ कैमरा वीडियो पार्ट 5। मई 2016 के दौरान थाईलैंड के फुकेट में एक स्टंटमैन विशाल का जहरीले कोबरा के साथ बाड़े के अंदर स्टंट दिखा रहा था। वहीं बाहर बैठी ऑडियंस एंजॉय कर रही थी। मास्को के दिमित्री बोदनार बाकी लोगों के साथ बैठे इस पल को मोबाइल से फिल्मा रहे थे। तभी बाड़े के अंदर स्टंट दिखाने के बाद ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए स्टंटमैन ने कुछ तूफानी करने की सोची और कोबरा को दर्शकों तक खींच कर ले आया। लेकिन तभी कोबरा के अटैक से बचने के दौरान उसका ध्यान कोबरा से हट गया और कोबरा सीधा दर्शकों में घुस जाता है और बस काटने ही वाला था कि खुशकिस्मती से ट्रिक दिखा रहे महाशय ने सांप को समय रहते पकड़कर पीछे खींच लिया। उनकी किस्मत बुलंद थी, वरना स्टंटमैन की हवाबाजी की कीमत किसी और को भी चुकानी पड़ सकती थी। अमेरिका के यूटा का रहने वाला ब्रायंट सविंशन और उनकी बीवी लॉरेन नवंबर 2018 के दौरान केन्या गए, लेकिन इस दौरान मई महू नामक एक कस्बे के जंगलों में उन्होंने देखा कि 3 नकाबपोश एक कार को लूट चुके हैं। तभी उन्होंने उनकी कार को रुकवाने की कोशिश की। यहाँ कपल की खुशकिस्मती माने या उनकी समझदारी, उन्होंने कार रिवर्स भगा दी और जब वो कार के नजदीक दौड़ते हुए और हथियार लहराते हुए पहुंच गए तो उन्होंने तभी कार आगे भगा दी और वो बेचारे बेवकूफ बनकर देखते रह गए। इनकी समझदारी ने एक अनहोनी घटना को अंजाम मिलने से पहले ही टाल दिया। हाल ही में फरवरी 2021 के दौरान थाईलैंड के बैंकॉक में ये मोहतरमा एक नदी में कछुआ और मछलियों को खाना खिला रही थी, लेकिन इस दौरान नदी में ही मौजूद एक विशालकाय छिपकली यानी कि मॉनिटर लिजर्ड को मछली की भनक लग जाती है और वो वहां तैरते हुए अचानक से पहुंच जाती है, जिसे देख लड़की की हालत पतली हो जाती है और वो तुरंत भाग खड़ी होती है। मॉनिटर लिजर्ड ने लड़की को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन उसने उसे रूह तक हिला जरूर दिया। मार्च 2011 के दौरान अमेरिका के कोस्टा रिका नदी में गाइड ने टूरिस्ट को मगरमच्छ दिखाने के लिए उसे मांस का लालच देकर बाहर बुलाया ताकि टूरिस्ट उसे नजदीक से देख सकें। उसका बड़ा साइज देखकर उसे गॉडज़िला कहना गलत नहीं होगा। ये काम वैसे तो पहले ही काफी खतरनाक था, लेकिन यह उस समय और ज्यादा भयानक हो गया जब मांस खिलाते समय कीचड़ में इन जनाब का पैर धंस गया। गनीमत रही कि मगरमच्छ उस पर हमला करने के मूड में नहीं था, जिसके चलते महाशय ने समय रहते अपने आप को संभाल लिया और जिंदा बच निकले। बाकी यहाँ पर पल भर की देरी भी इस शख्स पर कितनी भारी पड़ सकती थी, आप सोच ही सकते हैं। तुर्की में एक एम्फीबियस एक्सकेवेटर यानी कि स्थल और जल दोनों पर काम करने वाले एक्सकेवेटर का देश के सामने परीक्षण किया जा रहा था। एक्सकेवेटर को नदी के करीब ले जाया जाता है, फिर उसमें उतार दिया जाता है। कुछ देर तो एक्सकेवेटर निर्माताओं की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरता है और पानी पर तैरते हुए इधर उधर होने लगता है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है कि वो नदी में पलटी मार देता है और बेचारा ड्राइवर उसी में फंस जाता है। इससे पहले कि वो पूरा डूबता, ड्राइवर सही समय पर जान बचाकर बाहर आ जाता है। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। ड्राइवर जैसे जैसे बाहर निकल रहा था, वैसे वैसे एक्सकेवेटर उलट रहा था। फिर वो एक बार रुक जाता है, ड्राइवर भी रिलैक्स होता है, लेकिन उसके बाद एक्सकेवेटर तेजी से पलटता है, जिसके साथ फुर्ती दिखाते हुए ड्राइवर भी ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और सही सलामत ऊपर चढ़ने में कामयाब रहता है, वरना उसके नीचे दबने से उसकी मौत भी हो सकती थी। ये वाकया आसपास खड़े चश्मदीदों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मार्च 2021 के दौरान रूस के कोला में भारी बर्फबारी के बाद एक कपल अपनी निसान मुरानो कार में कहीं जाने के लिए बैठते हैं, लेकिन पति जैसे ही अंदर बैठता है तभी 50 फीट की ऊंचाई से उन पर एक विशालकाय बर्फ का टुकड़ा छत से आकर गिरता है। अब ये नजारा देखकर आपको लग रहा होगा अंदर बैठे कपल को कहीं ना कहीं चोट तो जरूर आई होगी,
लेकिन जानकारी के लिए बता दें, ये दोनों इतने ज्यादा लकी थे कि इन पर इतना बड़ा आइस ब्लॉक गिरने के बावजूद भी इन्हें खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि विंडशील्ड ने इनका सारा नुकसान खुद झेल लिया था। रशियन मूल के यूट्यूबर पैरा वॉफका, जो एक प्रोफेशनल पैराग्लाइडर है, वो अक्टूबर 2011 के दौरान हिमाचल प्रदेश के बीर बिलिंग में पहाड़ों में पैराग्लाइडिंग करने गए, लेकिन पैराग्लाइडिंग के दौरान उनके पैराशूट से गिद्ध टकरा जाता है और फंस जाता है। अब गिद्ध फंसने के चलते जनाब की पैराशूट थ्रेड आपस में उलझ गई और वो अनबैलेंस होकर हजारों फुट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगे, लेकिन तभी उन्होंने रिजर्व पैराशूट खोल दिया और बाल बाल बच गए, क्योंकि सीधा वो पेड़ पर जाकर लैंड हुए, फिर जमीन पर गिरे। ये हर समय रिजर्व पैराशूट लेकर पैराग्लाइडिंग नहीं करते थे, लेकिन इस बार इनके दोस्त एंड्रयू ने रिजर्व भी पैक कर दिया था। इसी वजह से इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी पैरा वॉफका को मामूली खरोंच तक नहीं आई, और यहाँ तक कि वो गिद्ध भी बाल बाल बच गया। वरना इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद इनकी कितनी हड्डियां चकनाचूर होती, ये कह पाना मुश्किल था। फरवरी 2019 के दौरान ब्राजील के साओ पोलो में ये शख्स अपने पिता की मदद करने के लिए एक सीढ़ी की मदद से छत पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान उसकी सीढ़ी स्लिप हो जाती है। अब ऐसे हालत में एक इंसान के साथ क्या होता है आपको पता ही है, लेकिन इन महाशय के साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये जनाब इतने लकी थे कि सीढ़ी गिरने के बावजूद किसी बॉलीवुड हीरो की तरह सही सलामत जमीन पर लैंड हो गए। सितंबर 2019 के दौरान थाईलैंड के बैंकॉक में सुनकॉन चनटाना नामक एक व्यक्ति ने अपने घर की बालकनी में एक 17 फुट लंबा विशालकाय पायथन देखा। लगभग 10 मिनट तक यहाँ दिखने के बाद ये सांप गायब हो गया और उनके घर की सीलिंग से आवाजें आना शुरू हो गई। दरअसल ये सांप बालकनी में मौजूद छेद से उनकी सीलिंग में घुस गया था। ऐसे में उन्होंने तुरंत स्नेक रेस्क्यूअर्स की टीम से कॉन्टेक्ट किया और उन्हें बुलवाया। गनीमत रही, रेस्क्यूअर्स की टीम समय रहते उनके घर पहुंच गई और कुछ ही देर में सांप को निकाल कर अपने साथ ले गए। अब जरा इस ट्रक पर भी नजर मार लीजिए, जो तेज हवा के चलते बार बार जमीन से ऊपर उठ रहा था, लेकिन आज अंदर बैठे ड्राइवर की खुशकिस्मती से ट्रक हर बार उलटने से बच गया। इस क्लिप को देखकर लगता है मानो एक तरफ से हवा ट्रक को उलटने में जुटी हुई थी और दूसरी तरफ जनाब की किस्मत उसे वापस धकेल रही थी। दिसंबर 2001 के दौरान ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में हो रही रेस के दौरान मशहूर ड्राइवर मार्कोस एम्ब्रोस की चलती कार से टायर निकल जाता है। अब संयोग से ये टायर सड़क पर बिना किसी से टकराए चलने लगा और सीधे खराब टायरों के ऊपर जाकर गिर गया। अब जरा इस क्लिप पर भी नजर मार लीजिए, जो अमेरिका के इंडियाना में उस समय रिकॉर्ड हुई जब नवंबर 2018 के दौरान 160 फुट ऊंचे क्लॉक टावर पर विशालकाय घड़ी को चेंज किया जा रहा था, लेकिन इस दौरान क्रेन से बंधी घड़ी नीचे गिर जाती है। दूसरी क्रेन पर चढ़े दो वर्कर्स की किस्मत अच्छी थी कि ये घड़ी सिर्फ उनकी क्रेन से टकरा कर नीचे गिर गई। बाकी यहाँ एक व्यस्क इंसान से भी ज्यादा बड़े साइज वाली ये विशालकाय घड़ी उनके ऊपर गिरती तो दोनों वर्कर्स का कचुंबर बनते चंद पलों का ही समय लगता। अक्टूबर 2018 के दौरान पाको रोजेज नामक एक स्पेनिश फिल्म मेकर पाकिस्तान की तरफ वाली काराकोरम पर्वत श्रृंखला में अपनी टीम के साथ मूवी शूट करने के लिए गए, लेकिन इस दौरान यहां अचानक से एवलांच यानी हिमस्खलन शुरू हो जाता है। अब एवलांच इतना ज्यादा तेजी से उनके पास पहुंचा कि उन्हें भागने तक का समय नहीं मिला, लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें अपने पास में कुछ बड़े बड़े पत्थर दिख गए जिनके पीछे उन्होंने अपने आप को छुपाए रखा और एवलांच खत्म होने तक वहीं डटे रहे। गौरतलब है कि इन पत्थरों के पीछे छुपे रोजेज और उनकी टीम में से किसी को भी मामूली खरोंच तक नहीं आई। बाकी आमतौर पर इतने विशाल का हिमस्खलन के दौरान कितनी भारी मात्रा में जानमाल का नुकसान होता, ये तो आप जानते ही हैं। अब जरा इन महाशय से भी मिल लीजिए, जो एक सांप को पकड़ने के बाद कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे और गलत टेक्निक का इस्तेमाल करके सांप को डिब्बे में बंद करना चाह रहे थे, जिसके चलते सांप ने मौका पाकर अपना मुंह खोलकर उसे काटने की कोशिश की, लेकिन महाशय ओवर कॉन्फिडेंट के साथ साथ ओवर लकी भी निकले, जिसके चलते सांप उन्हें डसता उससे पहले ही वो बच निकले। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब अक्टूबर 2016 के दौरान जिम्बाब्वे की लेक करीबा के पास बने किसी रिजॉर्ट में एक ऑस्ट्रेलियन कपल अपना वेकेशन मनाने के लिए गया था, लेकिन इस दौरान स्विमिंग पूल में नहाते समय उन पर एक 6.5 फुट लंबे मगरमच्छ ने हमला कर दिया।
मगरमच्छ को देख बॉयफ्रेंड महाशय ने तो बेवफाई दिखाते हुए गर्लफ्रेंड को वहीं पूल में छोड़ अपने आप को बचा लिया। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की किस्मत बेवफा नहीं थी, जिसके चलते वो मगरमच्छ के हमला करने के बावजूद भी जिंदा निकल गई। खैर, ऐसे बेवफा बॉयफ्रेंड पर अपने विचार जरूर व्यक्त करें। हाल ही में 17 अप्रैल 2021 की शाम मुंबई के वंगानी रेलवे स्टेशन पर रिकॉर्ड हुई एक वीडियो ने इंटरनेट पर जमकर सुर्खियां बटोरी। क्लिप में देखा गया एक नेत्रहीन महिला अपने 6 साल के बच्चे के साथ प्लेटफॉर्म पर पटरी के पास में चल रही थी, लेकिन इस दौरान उसका बच्चा प्लेटफॉर्म में से गिरकर पटरियों पर चला जाता है। तभी सामने से ट्रेन भी आ रही थी। नेत्रहीन माँ इधर उधर टटोलने लगी, लेकिन उसे पता ही नहीं लग पाया कि बच्चा कहाँ है। जिंदगी और मौत के बीच चंद सेकंड का समय बचा था। सब भगवान भरोसे थे, लेकिन भगवान हर जगह नहीं होते, इसलिए वहाँ उनके भेजे गए फरिश्ते जरूर मौजूद होते हैं। और ऐसा एक फरिश्ता उस स्टेशन पर पॉइंट्समैन की पोस्ट पर कार्यरत मयूर शेलखे मौजूद था। इस नेक दिल और बहादुर युवक की नजर उस बच्चे पर पड़ गई। मयूर ने बच्चे को देखते ही ट्रेन के सामने पटरी पर दौड़ लगा दी और उसे उठाकर सही सलामत ऊपर रखा और पीछे पीछे खुद भी चढ़ गया। ये कारनामा मात्र कुछ सेकंड में ही कर दिखाया। एक नेत्रहीन महिला के प्रति ऐसी जिंदा दिली दिखाने वाले मयूर ने सोशल मीडिया पर पूरे देश का दिल जीत लिया। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 5 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कॉमेंट बॉक्स में पार्ट 6 जरूर लिख दें।